आगरा की सबसे बड़ी और अहम खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर विधानसभा आगरा में आम आदमी पार्टी की ओर से नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में एक पोस्टर जिसमें मेयर के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों को विस्तार से लिखा गया है, खास करके पिंक टॉयलेट जिन पर ताले डाले हुए हैं। एमजी रोड के टॉयलेटों पर भी ताले डाले हुए हैं। इस बात को प्रमुख रूप से उठाया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले उम्मीद थी पिछले लगभग 4 साल में कि निश्चित रूप से नवीन जैन जी महापौर बने हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, शहर का विकास होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब से नवीन जैन जी नगर निगम में ऐसे महापौर जिम्मेदारी लिए हैं, विकास का घोटाले ज़्यादा हो रहे हैं। उसके लिए हमने ये चौराहा इसलिए जानबूझ के छोड़ के रखा क्योंकि स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। स्मार्ट सिटी की अच्छी रैंकिंग में भी हम हैं। हम एक पॉश चौराहे पे पॉश एरिया में हैं, लेकिन ये पॉश नहीं है, घोटालों की भेंट है। यहाँ पर कैमरे तो बहुत हैं, चल नहीं रहा है, उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर शौचालय तो बहुत हैं लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं है। आज आपके सामने मैं अपने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के और बाकी सब टीम के साथ इस एक पोस्टर को भी आपके सामने, क्योंकि ये पोस्टर हम सब जगह पर लगाने वाले हैं। हमारे महापौर केवल एक काम करते हैं जिसके लिए वो बहुत आगरे में फेमस हो चुके हैं, वो पोस्टर खेल रहे हैं, होर्डिंग बैनर और पूरे शहर को पाट रखा है। एक सड़क का नाम बदला, भी सड़क का नाम बदला, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या सड़क अच्छी हुई? क्या वहाँ नाली पानी की व्यवस्था अच्छी हुई? शहर में गंगा जल के नाम पर गंदा बदबूदार पानी दिया जा रहा है। दूसरा, आज की प्रेस वार्ता मुख्य केंद्रित शहर में एमजी रोड पर और पूरे शहर में सफ़ेद हाथी बने हुए कुछ पिंक टॉयलेट्स के ऊपर है। ये पिंक टॉयलेट बना तो पूरे शहर में दिए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, लोग बाग खुद चला ले तो ठीक है, इनके लिए कर्मचारी, सफाई कर्मचारी इनकी व्यवस्था नहीं करता है। कुछ जगहों पर ये ताले डले हुए, इसके लिए इन हर पिंक टॉयलेट में, जहाँ जो पिंक टॉयलेट सही ढंग से नहीं चल रहा होगा, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, साबुन की व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, हर एक पिंक टॉयलेट पे प्लस एमजी रोड पे बने सारे शौचालय पर, क्योंकि इस आपके प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से एक आरोप भी लगा रहा हूँ, जो पिंक टॉयलेट बंद है, जो एमजी रोड के टॉयलेट्स बंद हैं, इसमें निश्चित रूप से मेरे महापौर श्रीमान नवीन जैन जी षड्यंत्र करके महामहिम वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें पलीदा लगाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं खुले में शौच करने के लिए। भाई शहर में टॉयलेट्स होंगे तभी तो जाएंगे, खेत तो है नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी महापौर की थी और महापौर लोगों को मजबूर कर रहे हैं खुले में शौच के लिए। ये पूरा आरोप महापौर पे आपके प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से लगा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख रूप से कपिल वाजपेयी, अतुल दीक्षित, प्रवेंद्र यादव, अयूब खान, डॉक्टर धीरेंद्र सिंह, गौरव बघेल, हृदय शर्मा, आलोक दीक्षित, अंशुल, आशीष, विनोद राजौरा, गौतम, योगेश कुमार, माधुरी शर्मा, अनिल जी, योगेश सतसंगी, उत्तर विधानसभा महासचिव राम सेवक ठाकरे, मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, कैलाश भाई आदि साथी उपस्थित रहे।